जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो स्पेशली ये है एसएससी जीडी की अगली भर्ती को लेकर। अगली भर्ती कौन सी? 2024-25 जिसका नाम है 2024-25। ये भर्ती कब आने वाली है आप सबको पता है, ये अगस्त के महीने में आने वाली है। और इसका एग्जाम कब होगा? इसका पहले जो एग्जाम की डेट थी वो ध्यान रखना दिसंबर थी, लेकिन अब इस डेट को चेंज करके क्या कर दिया है, जनवरी फरवरी। ठीक है, ये एग्जाम कब होगा? जनवरी से स्टार्ट होगा इस भर्ती का जो अगस्त में आएगी। इसको लेकर कई बच्चों का ऐसा है सर ये कितने पदों पर भर्ती हो सकती है और ये भर्ती क्या अगस्त में आएगी या आगे डिले हो सकती है, कितने एज वाले को इसमें मौका मिलेगा। देखो ध्यान रखना एसएससी जीडी के लिए जो एज ग्रुप नॉर्मली काम में आता है 18 से 23 साल। कई बच्चे जो इस बार 10th और 12th पास करेंगे, अगर उनकी भी एज अगस्त महीने तक, कौन से महीने तक, जो अगस्त का महीना है उस महीने तक अगर आपकी एज 18 से 23 के बीच में आती है तो आप इस बार की भर्ती देख सकते हो। ये किसके लिए है? ये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा 18 से 26 साल यानी 3 साल की छूट मिल जाती है किसको? ओबीसी को। उसके अलावा 18 से 28 साल ये छूट किसको मिल जाती है? एससी और एसटी को। यानी एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। इस एज क्राइटेरिया में अगर आप हो तो इस बार भर्ती आप अटेंड कर सकते हो जो कि अगस्त के महीने में आएगी, और अगस्त के महीने तक आपका एज क्राइटेरिया ये होना चाहिए। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर उस भर्ती में एज काउंट कब से होगी, तो ध्यान रखना ये भर्ती जारी होगी अगस्त में, तो जिस डेट को जारी होगी उस डेट से ही एज काउंट होगी, जिस डेट को ये जारी होगी। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन जिस डेट को आउट होगी उसी डेट से आपकी जो एज है वो काउंट होगी। अगला क्वेश्चन था कि ये कितने पदों पर भर्ती हो सकती है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा एक डिटेल पहले बाहर आई थी कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसमें लगभग 1,29,000 के आसपास पद खाली है। ठीक है, ये डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, इसके बारे में आपने नोटिस भी देखा होगा, बहुत पहले ही आया था। लेकिन इस बार जो भर्ती हुई थी वो कितने पदों पर हुई है? लगभग 26,000 पदों पर ही हुई है। यानी अगर हम पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अभी भी पोस्ट ऑफ वैकेंसी 1,00,000 से ज्यादा खाली मिल जाएगी इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सरकार कितने पदों पर ये वैकेंसी निकालती है। पद तो 1,00,000 से ज्यादा खाली मिल जाएंगी, लेकिन ये वैकेंसी की जो स्पीड है वो बेक टू बेक हो रही है, और कम से कम पद इसी बार भर्ती में या इससे पिछली एक भर्ती हुई थी, जैसे इससे पहले वाली भर्ती कितने पर हुई थी? 50,000 पर। उससे पहले वाली 25,271 पदों पर। ठीक है, तो कहने का मतलब एक 25,000 पे होगी, 50,000 पे वापस 25,000 पे ये भर्ती है 26,000 पे। हो सकता है कि ये वैकेंसी 50,000 पदों के आसपास आए या इससे ज्यादा आए, और हो सकता है कि 25,000 पदों पर ही आए। तो पद तो उस समय डिपार्टमेंट जिस समय नोटिफिकेशन आएगी उसी समय डिसाइड होंगे, लेकिन एज क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम की डेट भी आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन जिन बच्चों की अगस्त में एग्जाम हो रही है एज, उन सबको बता दूं उनको आज से तैयारी करनी चाहिए एसएससी जीडी की, क्योंकि अभी हम खुद 15 अगस्त से इसका, ये 15 अप्रैल से इसका बेस शुरू कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाएंगे उसी डेट से, एसएससी जीडी का भी नया बेस शुरू कर रहे हैं ऑन फ्लाइट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है जब तक 12 महीना बच्चा तैयारी नहीं करेगा ना